नमस्कार अदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है कस्तवि। मैं द्वितीय श्रेणी में पढ़ती हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पर्यावरण। आज थोड़ी सी फुर्सत मिली तो कल ही प्रिय दोस्तों के साथ मुलाकात। नीला रंग फैलाए अपना, गगन को छूने का था सपना। नीला रंग फैलाए अपना, गगन को छूने का था सपना। खामोश थी उसकी जुबान, करना चाहता था बहुत कुछ बयान। मैंने पूछा उसका उदासी का राज, आसमान ने कहा पवन देगा तुम्हें जवाब। मैंने पूछा पवन से क्या है तुम्हारा हलचल, क्यों नहीं करते अब तुम पैरों में बवाल। क्या है तुम्हारा हलचल, क्यों नहीं करते अब तुम पैरों में बवाल। पवन ने कहा जल देगा तुम्हें जवाब। मुलाकात हुई जल से बहुत बार, एक ही जगह सुनता था उसका घर शमशान। हो रही थी उस पर वार पर वार, और बाहर था हाहाकार। मैंने पूछा इस हाल पर सवाल, जल ने कहा धरती देगी तुम्हें जवाब। मैंने पूछा धरती से हे धरती माता, आज तुम क्यों रो रही हो, क्या है तुम्हारी रुट जाने की राज। धरती माता होले से मुस्काए, चुप सी घबराए और कहा मयूर देगा तुम्हें जवाब। चलती मैं मयूर के पास खोजने कुछ सवालों का जवाब। मैंने पूछा मयूर से अब तुम क्यों नहीं आती मेरे आंगन में। मयूर ने जवाब दिया और कहा क्योंकि सावन नहीं आते तेरे दर पे। अंत में पृथ्वी बोली मैं थक चुकी हूँ इस प्रदूषण से, थक चुकी हूँ इस कोरोना से, थक चुकी हूँ इस अत्याचारी से, थक चुकी हूँ। हे मनुष्य तुमसे है एक ही फरियाद, हे मनुष्य तुमसे है एक ही फरियाद। रखो हमें भी सदा अपने साथ, रखो